थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। पता है अब हम किसी को नहीं जताते कि मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी तो समझो, क्योंकि जताने के बाद वो कौन सा समझ जाते हैं। एक बात कहूं, हो सके तो दिल से मान लेना, अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा एटीट्यूड किस में होता है, जिसे एक वक्त में सबने अकेला छोड़ दिया हो और उसने अकेला जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई रहे ना रहे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जिन लम्हों में सोचा था तुम्हें, वो जिन लम्हों में सोचा था तुम्हें, उन लम्हों पे तहे दिल से लानत। मैं रोई नहीं हूँ, मुझे रुलाया गया है, मैं पागल नहीं थी, मुझे बनाया गया है, बहुत सोच समझ कर ये जाल बिछाया गया है, मुझे मोहब्बत के नाम पे आजमाया गया है, झूठ को सच बना कर मुझे दिखाया गया है, मैं उठ भी ना सकूँ कुछ इस कदर मुझे गिराया गया है, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, मैं मरी नहीं हूँ, मुझे जिंदा दफनाया गया है। हेलो गाइस, अपने अपने पैसे निकालो, कितने कितने लाए हो। सोनिया भी आज बेअंतहा उदास हो तुम इसको भी शेर समझोगे। जिथे जाके तू बिकया ओ बजाज किथे आ, ओ मेरे जज्बातां दा होया दस दे भोपाल। पैतरे आजमा के थक चुका हूँ मैं, तुझको पाए तो पाए कैसे। पैतरे आजमा के थक चुका हूँ मैं, तुझको पाए तो पाए कैसे। क्या 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 पूछा तुमने, कितनी मोहब्बत है, समझाओ इन्हें मोहब्बत है लफ्जों में बताएं कैसे। पता है मैं आज तक किसी चीज के लिए नहीं तरसा, बट आज बात करने को तरस क्यों। जिंदगी सुंदर है मगर जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है मगर पीना नहीं आता, सब जी लेते हैं मेरे बगैर और एक मैं हूँ जिसे किसी के भी बगैर जीना नहीं आता। याली रहम वाली याली। विशाल भाई आजकल सब पूछ रहे हैं तुम भाभी के साथ नहीं दिखते। भाई का ब्रेकअप हो गया है ना प्यार उससे करके बदनाम हम हो गए, चर्चे मेरी मोहब्बत के शरेआम हो गए, बेवफा ने दिल भी तब तोड़ा जब हम उसकी मोहब्बत के गुलाम हो गए। कोई पूछे मेरे दिल। जी आंटी बस अभी लेके आया। अरे वाह ये सही है, यहाँ तुम किसी और के लिए सवर रही हो और साला मैं यहाँ तुम्हारे लिए बिखर रहा हूँ। खैर वो लड़के वाले आ गए नीचे तुम्हें देखने, एक आखिरी बार साथ चल लें। मैंने सुना था कि हर इंसान की किस्मत में मोहब्बत नहीं होती और शायद वो इंसान मैं हूँ। रुख जिंदगी तेरी मोहब्बत की हिफाजत कुछ इस तरह से की मैंने। मुर्शिद जब कभी किसी ने प्यार से देखा तो नजरें झुका ली मैंने। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है। ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर। छीन लाऊंगा मैं आसमान मेरी आशिकी ये रब के हवाले,
देखो यार को बस कोई मना ले यादों की सूली दिल। बेवफाई की सारी हदें वो पार कर चुकी होगी, अपने बदन की आबरू को वो तार तार कर चुकी होगी, मेरे अलावा किसी और के साथ हम बिस्तर होकर वो ये कमाल कर रही होगी। और ये किसकी उंगलियां हैं तेरे जिस्म पर, उसके बिस्तर की चादर भी उससे सवाल कर रही होगी, मेरी हिचकियों से लगता है मुझे याद कर रही होगी। भाई यार ये 2020 कब कटेगा यार, बड़ा ही मनूस है। भाई क्यों, क्या हुआ? मैंने सोचा था इस साल मैं अपने करियर में सेटल हो जाऊंगा, पर सारे के सारे सपने अधूरे ही रह गए। भाई मानता हूँ 2020 सबके सपने ले गया, पर ये भी तो देख कितनों के अपने ले गया। भाई हंस क्यों रहे हो? वो जो कभी हमें देखना भी गवारा नहीं करते थे, आज उनको प्यार हमसे हो गया है, आज उनको प्यार हमसे हो सैया। तू जो छूले प्यार से आराम। इतने बुरे भी नहीं थे हम, जितना बुरा तुमने किया मेरे साथ। मैं बारिश का मौसम हूँ, तुझे एक दिन भाऊंगा। वो समझता है हर शख्स बदल जाता है, वो समझता है हर शख्स बदल जाता है, उसे लगता है जमाना उसके जैसा है। तुझे याद न मेरी आई, इसी से अब क्या कहना। सोच है मुझे जिस सच्चे प्यार के लिए लोग अक्सर तड़पते हैं, मैंने वो प्यार तुम जैसे बेवफा पर लुटाया। कभी नहा भी लिया कर, रोज नहाते हैं यार, अब रंगे ऐसा है तो क्या करें। अरे सुन ना, एक क्रीम है उससे तू एकदम गोरा हो जाएगा। कौन सा? पिछली बार जो बताया था उससे तो कुछ नहीं हुआ। देख आज कॉलेज का आखिरी दिन है, अगर आज संजना को हेलो भी नहीं बोल पाया ना तो कभी नहीं बोल पाया। हिम्मत नहीं हो रही यार, हिम्मत नहीं हो रही, डर लग रहा है। यस सर, वो ऑडिशन देने के लिए आए। नॉट फिट। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देखा था कि 20-21 साल के लड़के चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में तो ये भी लिखा था, गोरा चिट्टा मिल्की फेयर चाहिए। ये नहीं पढ़ा क्या तुमने? सॉरी। अरे भाभी भैया से कह दो, वो पापा को समझा देंगे, हमें नहीं करनी शादी इस काले कलूटे से। छी, आईने में वो और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। इश्क, मोहब्बत दुनिया का सबसे आखिरी और खतरनाक नशा है। अगर तुम किसी से प्यार करने का दावा करते हो तो उसे निभाने की हिम्मत भी रखो। अब तो ये लगता है कि बस मेरी एक मोहब्बत ही थी जो ना गिन पाए तुम, बाकी मेरी सारी गलतियों का तो बराबर हिसाब है तुम्हारे पास। नहीं, मैं जा रहा हूं यहां से, तुम्हें और दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बस ये फिर से उम्मीद मत देना कि और टूटने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मुझसे बात मत करो, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। भाई कुछ भी कर लेना मगर किसी का दिल ना तोड़ना। क्यों? दिल ना टूटे, खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। जो मेरी हर दुआ में शामिल था, जो शख्स मेरी हर दुआ में शामिल था, वो बिना मांगे ही किसी और को मिल गया। बॉस कितना सुकून है यहाँ पे। तो मतलब तू ये 150 किलोमीटर सुकून की वजह से आया? बॉस आपको क्या पता कि मैं सुकून के लिए कहाँ कहाँ गया हूँ। सच क्या ना, उस रात तुम वापस नहीं जाना चाहती थी ना, उस रात जितना मैं खुश था उससे ज्यादा तुम मुझे गले लगाकर खुश थी ना, उस रात तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें रोक लूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारी आंखों में देखते हुए कह दूं कि रुक जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ।
बस एक बार कह दिया होता